वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? तो मम्मी आज क्या है स्पेशल? हाँ, मांगा खुद ही खाने हैं, खुद ही बोल गया स्पेशल हाका नूडल। आज लॉकडाउन में भी चाइनीज की दुकानें बंद है ना, तो चाइनीज की दुकानों की तरह मैं बनाऊंगी घर में अपने स्टाइल। तो गाइस मेरा तो बहुत ही मन कर रहा था चाइनीज खाने का, बहुत दिन हो गया चाइनीज खा के। लास्ट चाइनीज जिस भी मैंने अम्मी के हाथ की खाया था रमजान से पहले, नहीं रमजान में तो वो बनाए थे ना। अच्छा, वो चिकन चिल्ली, बट है चाइनीज डिश। अम्मी ने ऑलरेडी चिकन चिल्ली की डिश शेयर की है। तो गाइस आज हमने क्या बनाने वाले चाइनीज में से? हाका नूडल्स। आज हाका नूडल्स बनने वाला है। बहुत से लोगों का फेवरेट होता है ये, नूडल्स हो गया, राइस हो गया। तो अरे मेरा खुद का फेवरेट है। हाँ, शेजवान भी बहुत लोग खाते हैं। तो आज अपनी बट बनाने वाले हैं हाका नूडल्स। तो यार घर में ट्राई करना और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फोटो भेज सकते हो बना के। स्ट्रीट फूड जायका के नाम से मेरी आईडी है। तो चलिए बहुत बातचीत हो गई, अभी स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ कि अपनी क्या क्या यूज करेंगे हाका नूडल्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले लगेंगे हमको नूडल्स, पत्ता गोभी, गाजर, चिकन, हरी प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, शिमला मिर्ची, प्याज, अंडे, कोथमीर, विनेगर, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, काली मिर्च पाउडर। तो सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन नूडल्स है ना, मुझे मोटे वाले पसंद नहीं आते, इसके लिए मैं बारीक वाले लेती हूँ। ये 10-10 रुपए के पैकेट आते हैं, हर किराने दुकान में मिल जाएंगे आप लोगों को। ये मुझे अच्छे लगते हैं, जल्दी बॉईल हो जाते और टेस्टी भी रहते। तो अभी मैंने पानी गर्म करने चढ़ा दी हूँ। तो अगली डालेंगे हम इसमें, पानी में जरा सा हल्का सा बॉईल आएगा ना जब डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे, देखो पानी पूरा गर्म हो गया है। तो ये पानी गर्म होने के बाद आप नमक डालिए, और नमक है ना थोड़ा ज़्यादा ही डालना। देखो कैसा मस्त आया ना फेस के ऊपर, इस तरीके से आना चाहिए। और ये मैंने नूडल ली हूँ पतले वाले, बारीक वाले, जितने बारीक वाले लेंगे ना उतना टेस्ट अच्छा आता है, मुझे अच्छा लगता है ये नूडल। तो इसको क्या करेंगे, हम ज़्यादा चूरा नहीं करेंगे, तो बस इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हल्का सा हाथ मार। और खुले बर्तन में ही नूडल को बॉईल करना, ठीक है? और ज़्यादा पानी लेके, क्यों? क्योंकि अगर कम पानी में इसको बॉईल करेंगे तो ये चिपचिपे हो जाएंगे, ठीक है? अब हम मिलते हैं इसको 3-4 मिनट तक बॉईल करके। तो देखो ये बॉईल हो गए हैं अच्छे से, देख रहे हैं आप लोग? अब गैस बंद कर देना। इसमें मैंने ना तेल भी डाली थी, आप लोगों को बताना भूल गई थी, 2 चम्मच बड़े तेल भी डाली थी बॉईल करने के टाइम पे नमक के साथ साथ, ताकि ये चिपके नहीं एक दूसरे में, ठीक है? अब देखिए ये आप मेरे नूडल देख रहा है ना, तो ये गल गए हैं। अब इसको ओवर कुक नहीं करना है, इसको फटाफट से छान लेना है। तो देखो मैंने इस पर ना ठंडा पानी भी अच्छे से डाल के लेके आई, मस्त देख रहे हैं आप लोग? अब ये बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं है, एकदम खुले खुले है। फिर भी हम इसको ऐसा खुले बर्तन में डाल के हमारा सब मसाला रेडी होता है, इसको पंखे के नीचे रख देंगे। देख रहे हैं आप लोग नूडल? सबसे पहले अभी हम अंडा, 2 अंडे लेके इसको अच्छे से फेंट लेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, ठीक है? तो देखो ये बैठा मैंने अभी फेंट के इसको रख दी साइड में, ठीक है? अब हम लेंगे चिकन, ये 100 ग्राम चिकन है, इसमें अदरक लहसुन और नमक पहले से लगा हुआ है, रखा हुआ, ठीक है? अब हम इसको तेल डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च, हम मिर्ची की बुक्की वगैरह तो इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, तो हम काली मिर्च डाल देंगे और हल्का सा नमक डाल देंगे, जिसमें नमक लगा हुआ है फिर भी नमक डाल देंगे। तो देखो मैं इसको 2 मिनट तक अच्छे से पका ली हूँ, मेरे चिकन भी अच्छे से फ्राई भी हो गए, गल भी, ठीक है? अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट। तो चलो हमने ले ली हमारी कढ़ाई, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल,
ठीक है। हमारी कढ़ाई हो गई गरम, अभी हम ये जो बैदे फेंट के रखे थे ना, इसमें हमने नमक और काली मिर्च ऑलरेडी मिला दिए थे, ठीक है। इसको पका लेंगे थोड़ा अच्छे से, इसमें भी नमक और काली मिर्च डालने की जरूरत नहीं है, सब पहले से तल हुआ है, ठीक है। हम चिकन के साथ साथ इसको भी निकाल देंगे साइड में चिकन के साथ, इसको निकाल दे साइड में। बिस्मिल्लाह। अब हम डालते फिर से तेल, अब डालेंगे ज्यादा तेल, ठीक है, क्योंकि हमारे अभी नूडल डबल नूडल है, चिपकना नहीं चाहिए। अब स्टार्ट करेंगे हम हमारी, हम पहले ये लहसुन डाल देंगे ना, तो लहसुन जल जाएगा, तो लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, ये सब अलग अलग डालते बैठेंगे ना तो तड़के के जैसा जल जाएगा, दाल का बघार हो जाएगा, इसलिए हमको इसको जलाना नहीं है। ये प्याज, ये हमने चारों चीजें मिला लिए, ठीक है। अब हम डालेंगे साथ में ताकि हमारे लहसुन जल ना जाए, इसके साथ साथ है ना, हम गाजर भी छोड़ देंगे, ये भी जल्दी गलते नहीं ना, इसको भी थोड़ा तेल में करेंगे। तो चलो हो गया ना इसको एक मिनट, ये गाजर हो गई हमारी सॉफ्ट, अब हम डाल देंगे इसमें हमारे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी आप अपने हिसाब से लीजिए, मैंने कुछ 100 ग्राम की पत्ता गोभी ली और इतना टुकड़ा गाजर का ली हूँ, इतना टुकड़ा, और 4 से 6 हरी मिर्ची ली हूँ, एक छोटा सा प्याज ली हूँ, और तीखा तो आप अपने हिसाब से ही रख लेना, और ये भी देखो कांदे की भाजी भी मैंने इतना ही ली हूँ, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से लेना, और एक शिमला मिर्ची पूरा ली हूँ अखा, ठीक है। अब हम डाल देंगे शिमला मिर्ची भी इसमें, अब हम थोड़ा इसको हिला लेंगे हमारी सब्जियों को सब, अब हम डालेंगे हमारे इसमें नूडल्स, देखे ना खुले खुले मेरे नूडल में, अब इसको हिलाना भी एक चार, ठीक है। अब हाथ बहुत फास्ट फास्ट चलाना पड़ता है इधर नूडल डालने के बाद। अब हम इसमें डालेंगे हमारे 2 चम्मच सोया सॉस, ये पूरा 2 चम्मच सोया सॉस, ये 2 चम्मच रेड चिली सॉस, ये 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और ये 2 चम्मच विनीगर, ठीक है। अब इसको अच्छे से फास्ट फास्ट हिलाइए, तो देखो 2 मिनट लगा मुझे पूरा मिलाने में, ताकि अच्छे से नूडल को सब सोया सॉस विनीगर सब लगना चाहिए ना। अब इसके अंदर हम थोड़ा नमक डालेंगे, ठीक है, सोया सॉस वैसे ऑलरेडी नमकीन रहता है, सोच समझ के नमक डालना, मेरा डबल नूडल है तो इसमें थोड़ा नमक मिला लेंगे, अब डालेंगे हमारा ये
अंडा, ठीक है, ये चिकन। अब इसको करेंगे बॉईल अच्छे से मिक्सर। अब मजे की खाएंगे, टेस्ट ले लेके घर में सारे बच्चे खुश बोले चलो चाइनीज तो बन था, मम्मी ने नूडल खिला दिए। अब ये कैसा है, चाइनीज लोग के बर्तन रहते ना जो लोखंड वाले बड़े बड़े, हाँ उसमें अपने कढ़ाई भाजी के लिए अपन इतना इस्तेमाल करते हैं। और ऊपर से मैंने नूडल दो दो ले ली हूँ, मस्त पूरे घर वालों की निकल पड़ी। इसमें डालेंगे हम अपनी ये हरी भाजी, ठीक है। तो चलो देखो रेडी हो गया ना मेरा नूडल्स, हाका नूडल्स, ठीक है, चाउमीन रेडी हो गया, मस्त। अब इसको कांडी से खाएंगे या फोक से खाएंगे देखते हैं, हमारे पास कांडी भी है फोक भी है। दोस्तों अपना हाका नूडल हो गया है रेडी और हमने थोड़ी सी ले ली है साथ में शेजवान चटनी। यार मजा तो आता है हाका नूडल खा के, बहुत से लोगों को शेजवान चटनी भी पसंद, यानी कि शेजवान नूडल पसंद होता है। अब मैंने बट बनाया है हाका नूडल और देखिए अब मैंने कैसा बना देते हैं। इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि इसको शेजवान चटनी ज्यादा पसंद है। बोला भी था शेजवान नूडल ही बनाओ, अभी बोले नहीं शेजवान में भी और बनाएंगे, अभी बनाते हैं हाका नूडल। वहाँ पे यार देखे रहेंगे आप इतने बड़े बड़े मस्त चम्मच रहते थे, टनाटन उछालते, अब मेरे को नहीं जम रहा था, मेरे को थोड़ी आता वो यूं करने के। फिर भी यार बनाया मैंने, माँ की ममता ने नूडल बनाई हाँ का, मस्त लग रहा है। हेलो, और जो चिकन की भी मैंने ना बड़े बड़े पिज्जा ले, आज चिकन हमने कम इसीलिए लिए क्योंकि नूडल में चिकन कम ही जाता है। होटल वाले देते क्या इतना डाल डाल के, आप लोग भी बनाना ऐसा ही नूडल, तीखा तीखा भी है, मस्त गला के नहीं अच्छे से, एक लंबा लग रहा है चटपटा मस्त। यार जो मालवनी में मलाड में रहता रहेगा उसको रोशन ऑन तो पता ही होगी, चाइनीज की बहुत ही अच्छी होटल है वो रोशन ऑन, अब मैं ज्यादातर जाके वहाँ पे खाता हूँ। अभी क्या मालूम मेरा रोशन ऑन कैसा लगा इसमें, नहीं रोशन ऑन का तो अलग है बट ये एक नंबर है, जो सीधो चटनी ना घर में बनी हुई नूडल्स है ना ये। हाँ और हाँ नूडल्स के पैकेट अम्मी ने जो लिए थे ना वो 10-10 रुपए वाले पैकेट थे, यानी कि एक पैकेट 10 रुपीस का था, तो अम्मी ने डबल का बनाया दो, यानी कि दो फुल विद शेजवान चटनी, मस्त लग रहा है शेजवान चटनी के साथ, और मस्त लग रहा है इसको तो शेजवान चटनी के साथ दाल चावल भी मस्त लगता है। चटनी का फेवरेट है, अब नूडल रह गया तो फिर उसको बात ही खत्म। मजा आ गया, इंशाल्लाह अगली बार शेजवान चटनी भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये नूडल इसीलिए बनाया मैंने, खुद अपने आप से 2-3 कमेंट देखे थे आप लोग अपनी तरफ से इसमें फ्रेंच बीन्स ऐड कर सकते हैं पतली पतली काट के, मैं बोल रही ना आप लोगों को जो भाजी पसंद है ना बस वो जरा बारीक साइज में काट के इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जैसा मैंने भाजी ली ना शेजवान बनाऊंगी ना शेजवान नूडल, इंशाल्लाह उसमें मैं और भाजी ऐड करके आपको दूसरे तरीके से बताऊंगी, ठीक है। जब तक आप लोग ये खा के बना के फोटो भेज के ट्राई करना, फोटो कहाँ भेजेंगे, इंस्टाग्राम पे आईडी का नाम है स्ट्रीट फूड जायका। तो ठीक है गाइस, मैं जब तक ये खाके खत्म करता हूँ इतना सारा चाउमीन चिंग चाइनीज, लाइक करो लाइक, जब हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, याद रखना बाय।